कि अगर ECM खराब हुआ तो देखें यहाँ पे ये है इस गाड़ी का ECU, अगर ECU खराब हुआ तो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, नमस्ते मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। काफ़ी समय क्या होता है कि BS6 की गाड़ियों का ECM खराब नहीं होता है और हमारे मैकेनिक भाई टेस्टिंग को सही से उपयोग में ना लाके डायरेक्ट नया ECM लगा देते हैं, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि ECM खराब है या सही, उसको कैसे चेक करना है और साथ ही साथ इसके इनपुट और आउटपुट को समझने वाले हैं। तो समझ सकते हैं इतने सारे वायरिंग हार्नेस में से इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम आसान बनाने वाले हैं इसके वायरिंग डायग्राम की मदद से। कंपनी रिकमेंडेड जो इसका वर्कशॉप मैनुअल आता है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 में इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, तो इसी के मदद से कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि जब आपकी गाड़ी का एक साथ सारे प्रॉब्लम उत्पन्न करवा रही है, जैसे सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, गाड़ी के अंदर करंट भी नहीं आ रहा है, गाड़ी के अंदर मीटर में चकलाइट नहीं आ रहा है और थ्री फेस पंप लगा हुआ और थ्री फेस पंप भी काम नहीं कर रहा है, तो समझ सकते हैं एक साथ अगर सारे चीज़ें काम करना बंद हो गया है तो उस सिचुएशन में हमारा क्या ख़राब हो सकता है, ECM खराब हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ECM ही खराब हो, ECM को ख़राब साबित करने से पहले इसके अंदर आने वाले इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है। तो समझ सकते हैं आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें पूरे सारे वायरिंग हार्नेस को कवर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा वायर इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, आउटपुट कहाँ पर जाता है और इनपुट कहाँ पर आता है। तो बने रहिए वीडियो में, साथ ही साथ PDF भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और एक एक स्टेप बताते हैं कि ECM खराब है या सही, कैसे पता करना है। अगर किसी भी मैकेनिक भाइयों को BS6 की बाइक सफलतापूर्वक रिपेयर करना हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर ECM खराब हुआ तो देखें यहाँ पर ये है इस गाड़ी का ECU, अगर ECU खराब हुआ तो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या कि जब भी ECM खराब होगा तो गाड़ी का फ्यूल पंप काम नहीं करेगा। कौन सा फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, थ्री फेस। इसके अंदर देखें तीन वायर आपको दिखेगा, 1, 2, 3। तो क्या है कि जब भी हमारी गाड़ी का ECM खराब होगा तो हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों वायरिंग का कनेक्शन सीधा इसके इस ECM से जुड़ा हुआ है। पहला चीज़, आप जैसे चाबी स्विच ऑन करें इसका फ्यूल पंप जरूर से ज़रूर चेक करें कि फ्यूल पंप चल रहा है कि नहीं। दूसरे स्टेप में आपको जो चेक करना है इग्निशन कॉइल, ये देखें फ्यूल पंप के जस्ट अपोजिट यहाँ पर इग्निशन कॉइल है। जब भी फ्यूल पंप भी काम ना कर रहा हो, चाबी स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी के अंदर करंट भी ना आ रहा हो, तो समझ सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी गाड़ी में ECM खराब है, क्योंकि यहाँ से भी एक वायर जो सिग्नल के लिए गया है करंट के लिए वो यहाँ से जुड़ा हुआ है ECM से। और इसके साथ साथ आपको तीसरे स्टेप में जो चेक कर लेना है कि जब हम चाबी स्विच ऑन करते हैं तो क्या उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का मीटर के अंदर जो चेक लाइट है वो जल रहा है कि नहीं, क्योंकि चेक लाइट का जो सीधा कनेक्शन है वो इसके ECM से ही है। ECM सही रहेगा जब भी मीटर में चेक लाइट जलेगा। तो चाबी स्विच जो है बार बार ऑन करें, बार बार ऑफ करें और ये चीज़ रेगुलर चेक करें कि मीटर में जो है चेक लाइट जल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका ये तीन चीज़ एक साथ काम करना बंद कर गया, यानी करंट भी नहीं आ रहा, फ्यूल पंप नहीं चल रहा और मीटर में चेक लाइट भी नहीं है, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी का ECM खराब हो चुका है या इसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ और सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंजेक्टर छिड़काव ना करना, गाड़ी का सेल्फ ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाना, या फिर हमारी गाड़ी का जैसे चाबी स्विच ऑन किए उसके बाद से सेल्फ हमारी गाड़ी का काम नहीं कर रहा, तो वो सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी इस वायरिंग डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में पहले इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे पता कर लें कि ये ECM ही पूरी तरह से ख़राब है या इसके अंदर इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज ना आए तो क्या चेक करेंगे और ECM खराब हो चुका है तो कैसे पता लगाएंगे, अभी कुछ ही मिनट में आपको बताते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस भी मैकेनिक भाइयों का ये मेथड रहा कि इनपुट और आउटपुट बेसिस को हम समझ लिए तो कभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करने की आवश्यकता नहीं। जब भी गाड़ी का प्रॉब्लम लेकर आती है, करंट का, फ्यूल पंप का, स्टार्टिंग का, सेल्फ का, तो उस कंडीशन में सिर्फ इनपुट चेक कर लिया,
ECM को मिल रहा है, यहाँ से आउटपुट चेक कर लिया कि ECM आउटपुट भेज रहा है कि नहीं। बस 2 मीटर चेक कीजिएगा, 2 मिनट में बता दीजिएगा कि गाड़ी में क्या ख़राब है। अगर स्टेप आपको पता नहीं रहेगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। तो चलिए मैं वो मेथड आपको बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है ECM सही है या ख़राब। उस चीज़ को चेक करने से पहले इसके कपलर कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से लगा होता है। यहाँ से जैसे इस क्लिप को प्रेस कीजिएगा, बैक के और खींचिएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। उसके बाद से मैं आपको बताते चलता हूँ, हर वीडियो में मैंने बताया कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे यह ECM एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसे ख़राब साबित करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई इसको मिल रहा है कि नहीं। जब 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई मिल रहा हो, जब इसे आप ख़राब साबित करें। अब कैसे पता करेंगे इसमें से कौन सा इनपुट वोल्टेज किस में आएगा, तो उसके लिए कंपनी रिकमेंडेड खुद बताया जाता है। इसमें बहुत सारे वायरिंग के कलर कोड हैं, जिसमें से यहाँ पर कंपनी रिकमेंडेड बताया गया है। मैं अच्छे से फोकस करके दिखाता हूँ। ECM में जो आपका वायरिंग आता है 33 नंबर का, अगर इस जगह पे देखें, वो है VBAT यानी बैटरी वोल्टेज। अगर इस साइड से पढ़ें, बैटरी वोल्टेज जो आ रहा है वो 33 नंबर के जो वायर है उसमें आ रहा है। कलर कोड क्या रहेगा, तो यहाँ पे खुद कंपनी बता रही है कि रेड प्लस ब्लैक कलर का रहेगा। बैटरी वोल्टेज जो आएगा वो 33 नंबर में आएगा और रेड प्लस ब्लैक। तो अगर इसके कपलर में देखें हम, तो रेड प्लस ब्लैक में हमें 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसका रेड प्लस ब्लैक अगर देखें तो ये एकदम एंड में आपको वायर मिलेगा 33 नंबर पे। अब चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करते हैं ECM को ख़राब साबित करने के लिए, फिर इसके हम आउटपुट को चेक करेंगे। देख लें कलर कोड, रेड प्लस ब्लैक कलर। इसके इनपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC पे सेट करेंगे। याद रखें, जो बैटरी वोल्टेज हो वही यहाँ पे सेम रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये पतले पतले प्रोब हैं जिससे आप ECM के इनपुट साइड यहाँ पे ऐड कर देंगे, और दूसरा को एक वायर हम ग्राउंड से प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे इसे मैंने ग्राउंड पे ऐड कर दिया, और चाबी स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब तक चाबी स्विच ऑन नहीं करेंगे आपको DC वोल्टेज यहाँ तक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चाबी स्विच ऑन करने के बाद ही तो फ्यूल पंप चलता है, उसके बाद ही तो करंट आता है। तो चलिए इस चाबी स्विच ऑन करते हैं। ये मैंने इसका चाबी स्विच ऑन किया। अब इसके अंदर देखें, जो बैटरी वोल्टेज है वो एकदम एक्यूरेट तरीके से इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाथ हिल रहा है इसलिए, चलिए मैं इसे अच्छे से फोकस कर लेता हूँ। ये देखिए 30 प्लस दिख रहा है, यानी 13 प्लस है, परफेक्ट है। बैटरी का DC वोल्टेज इसके रेड प्लस ब्लैक वाले वायर में आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जब भी ECM को ख़राब साबित करने से पहले इनपुट वोल्टेज चेक करना है। तो ये तो सही हो गया कि हमारा इनपुट वोल्टेज सही आ रहा है। अब ये चेक करना है कि ECM काम कर रहा है कि नहीं, तो ECM का आउटपुट चेक करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ECM को तो वर्क करने के लिए आता है कितना, 12 वोल्ट का DC वोल्टेज, और ECM सभी सेंसर्स को वर्क करने के लिए कितना वोल्टेज भेजता है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट, या उससे भी कहें तो कम। फ्यूल पंप को तो वर्क करने के लिए 3 फेज सिर्फ 2.5 से 3 वोल्ट के करंट से वर्क कर रहा, वोल्टेज से वर्क कर रहा। तो समझ सकते हैं ECM को वर्क करने के लिए आएगा 12 वोल्ट, और ECM सेंसर्स को वर्क करवाने के लिए सिर्फ के सिर्फ भेजेगा 5 वोल्ट। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे लगाने से पहले मैं चाबी स्विच ऑफ़ कर लेना चाहता हूँ। चाबी स्विच ऑफ़ कर दिया। अब चलिए इसके कपलर को मैंने लगा दिया है, अच्छे से फिक्स कर देना, इससे साउंड उत्पन्न होगा। ये देखिए साउंड उत्पन्न हो गया, ये लग गया। अब चलिए मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ, आउटपुट कहाँ कहाँ पर जाता है, और लाइव दिखाएंगे। सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट ही आपको दिखेगा। जब भी ECM का आउटपुट चेक करना हो तो सिर्फ के सिर्फ सेंसर्स में चेक करेंगे, ना कि एक्चुएटर में। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेंसर यूनिट है ये, IAT सेंसर, मैप सेंसर और TPS सेंसर, 3 सेंसर इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ECM से आउटपुट इसके पास आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये थ्रोटल बॉडी के अंदर सेंसर यूनिट ये भी लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। तो समझ सकते हैं ये है ICV वाल्व और ये है एक एक्चुएटर। एक्चुएटर के अंदर DC सप्लाई आएगा तो 12 वोल्ट का आएगा, ना कि ECM से, क्योंकि एक्चुएटर हमारा ECM सिर्फ सिग्नल भेजता है, वोल्टेज इसका इसके अंदर रेफरेंस नहीं आता है। तो हम इसके अंदर इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो थर्मल सेंसर लगा होता है EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर,
इसके अंदर भी आउटपुट चेक करेंगे। अब काफ़ी समय मैकेनिक भाई हमारी बड़ी गलती कर देते हैं, वो सेंसर को कौन सा कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पे देखें, ऑटो सेंसर को कभी भी इनपुट वोल्टेज के तौर पे यूज में नहीं लाना है, वरना आप अच्छा ECM को भी ख़राब साबित कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताते चलूँ, इन सभी गाड़ियों में ऑक्सीजन सेंसर जो होता है वो अनहीटेड होता है, यानी वो इसके इंजन के टेम्परेचर से काम करता है, उसके अंदर बैटरी की DC सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी आउटपुट चेक करना हो तो सेंसर यूनिट में और इसके EOT सेंसर में, ऑक्सीजन सेंसर में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर अनहीटेड है, बैटरी वोल्टेज की ना ECM वोल्टेज की कोई भी आवश्यकता नहीं है, 300 डिग्री सेल्सियस के बाद वो काम करता है, उसके ऊपर बाद में बताएंगे। बट ये चीज़ मैं आपको समझा देना जरूरी समझा, क्योंकि इस वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी सारे कन्फ्यूजन थे सारा क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, कैसे हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, सेंसर यूनिट को मैंने ओपन किया, इनपुट वोल्टेज इसका जो आएगा इस वाले वायर में आएगा, एकदम एंड वाला वायर। इसके अंदर जो कलर कोड रहेगा वो रहेगा ग्रे प्लस ब्लैक कलर। अब चलिए मैं इसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज चेक करता हूँ, वो कैसे चेक करना है, उसके लिए हम मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को लगा दिया, रेड वाले प्रोब को मैं इसके इस ग्रे प्लस ब्लैक वाले वायर में कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और दूसरा एक वायर जो है उसे हम कहीं से भी ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। आप खुद देख सकते हैं मैकेनिक भाई कि इसके अंदर इनपुट कितना वोल्ट का आया, सॉरी आउटपुट ECM कितना भेज रहा है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट का। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया एकदम एक्यूरेट बताया, 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। इसके साथ साथ हमें एक सेंसर में और चेक करना पड़ेगा, वो है इसका EOT। तो EOT के अंदर हमें एक ब्लैक प्लस येल्लो या ग्रीन प्लस येल्लो के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, इनपुट 5 वोल्ट का आना चाहिए। तो देखें इसके अंदर भी थोड़ा सा दूरी ले जाइए दूर, हाँ ये देखिए 5 वोल्ट का इसके अंदर आ गया। तो इससे पता ये चला कि ECM का आउटपुट भी सही है, ECM का इनपुट भी सही है, वहाँ से आने वाला वायरिंग भी सही है। अगर ये आप चीज़ चेक कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी गाड़ी का ECM परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर जो खराबी और अदर चीज़ों का हो सकता है, पिकअप कॉइल का हो सकता है, सेल्फ रिले का हो सकता है, सेल्फ मोटर का हो सकता है, बट ECM खराब नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूजन थे ECM के खराबी को लेकर, मैंने ऑलमोस्ट इसके सारी चीज़ों को कवर किया, इनपुट और आउटपुट सारी चीज़ें बताया। एक बार मैं इसका वायरिंग डायग्राम अच्छे से फ्रेश इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ। वायरिंग डायग्राम को लेकर काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कमेंट करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए मैं फ्रेश इमेज इसका एक बार और से टच कीजिए, हाँ अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उपयोग में ला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों को बताइए कि कैसे इसका ECM चेक किया जाता है, आउटपुट और इनपुट बेसिस क्या है।